हिमाचल प्रदेश की बेटी एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई में स्थित कार्यालय व मकान को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मशीनरी लगाकर ध्वस्त कर देने पर जहां पूरे देश में विभिन्न संगठनों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं हमीरपुर जिला में भी हमीरपुर की जनता, धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने भी इसका कड़ा विरोध किया, जिसके चलते हमीरपुर के गांधी चौक में विभिन्न संगठनों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जोरदार नारेबाजी भी की गई और इसके बाद उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राष्ट्रपति से कांग्रेस समर्थित महाराष्ट्र सरकार द्वारा असंवैधानिक ढंग से किए जा रहे अत्याचारों पर उचित कार्यवाही की मांग की गई। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, जिला महासचिव अवेबीत सिंह, लवली हरीश शर्मा, मंडलाध्यक्ष रमेश शर्मा, सुरेश सुमन कपिल, रीणु भारद्वाज और बीना कपिल मौजूद रही। भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के द्वारा बॉलीवुड ड्रग्स माफिया सुशांत के हत्यारों की बात को उठाया और महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की पोल को खोला है, जिस पर महाराष्ट्र की कांग्रेस समर्थित सरकार पोल खुलने से घबराकर सोनिया गांधी की सहयोगी उद्यम के सेनापति द्वारा कंगना के कार्यालय और मकान को तोड़कर जो घटिया काम किया गया है, पूरा देश व प्रदेश उसके कड़े शब्दों में निंदा करता है। उन्होंने कहा कि पूरा देश हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हिमाचल की बेटी कंगना, जिसने बॉलीवुड ड्रग माफिया सुशांत के हथियारों की बात को उठाया, उठाने के बाद महाराष्ट्र की सरकार का और वहां की पुलिस का जो पोल खोला है और उस पोल से घबराने से घबराकर सोनिया गांधी की सहयोगी उद्धव के सेनापति, जिन्होंने घटिया काम किया कि हमारी बेटी कंगना के जो उनका ऑफिस था उसको तोड़ा है, उसकी हमारा पूरा जिला, हमारा पूरा प्रदेश, हमारा देश उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। आज कंगना बेटी के साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता कंधे से कंधा मिलाकर, अरे गिद्दड़ की, जब गिद्दड़ की मौत आती है ना तो शहर की तरफ भागते हैं, वो साहब है महाराष्ट्र सरकार का। वो गिद्दड़ की भक्तियों से डरने वाली नहीं, वो बेटी हमारी शेरनी है, शेर दिल है उसके अंदर, और उसने जो करके दिखाया है, उसने जो आवाज को उठाया है, ये ड्रग माफिया फौजी की बेटी है, हिमाचल की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान के देवभूमि की बेटी है, कर्मभूमि की बेटी है, हिंदुस्तान की लोग कोई कंग। बलदेव शर्मा ने राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि ड्रग्स माफिया का समर्थन करने वाली सरकार को बर्खास्त किया जाए और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की सिक्योरिटी को और टाइट किया जाए। कांग्रेस की जो सहयोगी सरकार ने किया है, हम उसकी पूरी पूरी निंदा भी करते हैं और हमें सबको गर्व होना चाहिए कंगना बेटी के ऊपर, और ये संघर्ष हम सब उसके साथ हैं, संघर्ष उनके साथ रहेगा, चलते रहेंगे। आज यही सरकार को हम मांग करते हैं कि वो सरकार बर्खास्त हो और कंगना की सिक्योरिटी को और बढ़ाया जाए, ताकि हिमाचल की बेटी की सुरक्षा, बम्बे में जो बड़ी मेहनत कर छोटी उम्र में बम्बे गई थी और आके इतनी बड़ी अपने बुलंदियों पे पहुंची है, हम उस बेटी को बार बार नमस्कार भी करते हैं और जो ड्रग माफिया का साथ दे रही है उसकी हम पूर्व फिर निंदा करते हैं, उस सरकार को बर्खास्त करें। डीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दे रहे हैं। 22 लेन की सिक्योरिटी दी गई, उसके बाद कौन सी जेड प्लस की सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं आप? सिक्योरिटी अब क्या करनी, सिक्योरिटी अब तो सरकार ही जाएगी, देखेंगे आगे केंद्र।